जितनी भी बाढ़ आई और वो भी भ्रष्ट विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से। विभागीय मंत्री जी ने कहा कि वो शाही ने खोद दिया। मेरा अनुमान है कि 90 फीट चौड़ा पलटा होगा, 90 फीट चौड़ा पलटा शाही नहीं खोद सकती है। और फिर अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे, हम बाढ़ के नाम पर उत्पीड़न, बाढ़ के नाम पर लोगों को राहत सामग्री नहीं दी जा रही है, आवारा पशुओं लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और बेरोजगारी महंगाई हर मुद्दे पर सरकार फेल है और महंगाई का प्रशासन तंत्र बिल्कुल। धान की फसल चौपट हो गई, गड्ढा सूख रहा है, उस पर मुआवजे कोई प्रावधान नहीं किया गया। लोगों ने फोटो खिंचवाए हैं सरकारी सहायता के नाम पर, व्यक्तिगत सत्ता पक्ष के किसी नेता ने कोई सहायता नहीं की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी चोरी भी गोपनीय नहीं हुई है, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि चोरियां खुल गई। लेकिन जिनके घर चोरी हुई है उनका कहना है कि चोरी हमारी खुली नहीं है, फर्जी चालान भेजे जा रहे हैं। क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अभी हाल ही में कई चोरी और लूट की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी जो है मुखर हो चुकी है। महमूदाबाद से शेबा के विधायक और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे नवीन सिंह वर्मा ने इसको लेकर के सांकेतिक प्रदर्शन की घोषणा की है। क्या है पूरा कार्यक्रम, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूदाबाद के विधायक रहे पूर्व मंत्री नवीन सिंह वर्मा। सर, महमूदाबाद में जो आपके द्वारा लूट और चोरी की घटनाओं को लेकर के एक प्रदर्शन की घोषणा की गई है, उसमें क्या पूरा मामला है और किस तरह का ये कार्यक्रम? विगत लगभग 2 महीनों से हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 0% टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार गुंडोरा पीट रही है कि कानून व्यवस्था हमारा चुस्त है, दुरुस्त। अभी सीतापुर में एक अबोध बालक की हत्या कर दी गई। महमूदाबाद में चोरी, डकैती, जैसे कि आलमपुर, रांझनी और मारपीट की घटनाएं विगत 2-2.5 महीने से लगातार इस क्षेत्रवासियों का पीछा नहीं छोड़ रही। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी चोरी भी गोपनीय नहीं हुई है, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि चोरियां खुल गई। लेकिन जिनके घर चोरी हुई है उनका कहना है कि चोरी हमारी खुली नहीं है, फर्जी चालान भेजे जा रहे हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि जिनके घर चोरी हुई है उनमें कोई संतुष्ट नहीं कि हमारी चोरी हुई है। चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रांझनी हो रही है, गुंडाई हो रही है, फिरौती के लिए अपहरण हो रहे हैं महमूदाबाद में। और ये बहुत दिनों बाद ये संगठित उद्योग के रूप में महमूदाबाद में फिर से पनप रहा है। एक समय था जब यहाँ पर लोग रात रात जाग करके अपना घर मकान छोड़ करके पहरा देते थे, आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व आज फिर वही स्थिति आ गई कि गांव में लोग पहरा दे रहे हैं और प्रशासन और सरकार फेल है। चोरी खुल नहीं रही, रांझनी रुक नहीं रही। अभी 3 दिन पहले एक शरीफ लड़का है जो डाला चलाता है, उसका सुरखू मोड़ पर डाला लूट लिया गया, 1200 रुपये डाला लूट लिए गए रोक करके। ये तो 2 और डाला वाले आ गए तो बच गया, नहीं हो सकता उसका किडनैप भी हो जाता। या महिला कस्बे पे फैतेब रोड पर शराब की दुकान से गल्ला लेकर जो किडनैपिंग हुई, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या उनके पार्टी कार्यकर्ता, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इतनी भी बाढ़ आई और वो भी भ्रष्ट विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से। विभागीय मंत्री जी ने कहा कि वो शाही ने खोद दिया। मेरा अनुमान है कि 90 फीट चौड़ा पलटा होगा, 90 फीट चौड़ा पलटा शाही नहीं खोद सकती। और फिर अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे, हम तो आपसे अनुरोध करेंगे, यहाँ बात जाइए महमूदाबाद कैनाल कॉलोनी, वहाँ पर SDO का रेजिडेंस, 4 JE का रेजिडेंस, 1 बेलदार और 3 मेट का रेजिडेंस। SDO के रेजिडेंस में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी घास उगाई है, कोई रहता नहीं, यहाँ कोई जेई नहीं रहता।
चार जेई, एक एसडीओ, चार बेलदार और मेट यहाँ रहते, हमारे नौ का स्टाफ ही हो गया। उसके अलावा चपरासी वगैरह बाकी और बाबू स्टाफ हो गए। इतने स्टाफ बिसवा में, इतने स्टाफ बिसवा में डबल स्टाफ है, लहरपुर स्टाफ है, सीतापुर स्टाफ है, एक्शन इनका है, एसी इनका सीधा बैठता है जो सीतापुर लखीमपुर दोनों देखता है। और लहरपुर बिस्मा महंगा तहसील ये एक छोटे जनपद के छोटे से पार्ट में शारदा शाही निकलती है, नहर कट गई, मंत्री जी ने आकर क्लीन कर दी थी कि वो शाही ने इसको काट दिया। ये मानने योग्य बात नहीं है। अगर रात में घटना हुई तो कितनी भी घटना होती, कितने लोगों की जनहानि हुई होती, उस पर भी ना तो लोगों को खाद्यान्न सामग्री का पूर्ण विवरण वितरण किया गया है, और जो उनकी फसलें नष्ट हुई या उनके जो खेत खुद गए हैं, आम की बाग पूरी पूरी खत कट गई है, धान की फसल चौपट हो गई, गड्ढा सूख रहा, उस पर मुआवजे का प्रावधान नहीं किया गया। लोगों ने फोटो खिंचवाए हैं सरकारी सहायता के नाम पर, व्यक्तिगत सत्ता पक्ष के किसी नेता ने कोई सहायता नहीं की है, मैं दावा कर सकता हूँ। आवारा पशुओं से पूरा किसान परेशान है, बाढ़, नहर कटान, कानून व्यवस्था, आवारा पशु, और ये जो राशन कार्ड का जो होता है उसको जो कोटेदार के यहाँ जा करके अंगूठा लगता है, उसके पहले जिनका अंगूठा नहीं लगा वो बैंक जा रहे हैं, डाकखाने जा रहे हैं। कल सुबह 6:30-7 बजे आप देखिए पोस्ट ऑफिस पर जाम लगी है, मेला लगा है। हमने जिलाधिकारी सीतापुर से कहा था इसको आप बृहद करिए, चुनिंदा बैंकों में वो काम हो रहा है और मेला लगा हुआ है। इसलिए सरकार रोजगार के नाम पर फेल है, महंगाई के झूठे वादे के नाम पर फेल है, कानून व्यवस्था बिल्कुल एक धोखा है, और टीवी पर अखबार में जो कानून व्यवस्था के नाम पर विज्ञापन आ रहे हैं बिल्कुल फर्जी विज्ञापन आ रहे हैं। बाढ़ के नाम पर उत्पीड़न, बाढ़ के नाम पर लोगों को राहत सामग्री नहीं दी जा रही है, आवारा पशुओं लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, और बेरोजगारी, महंगाई, हर मुद्दे पर सरकार फेल है और महंगाई का प्रशासन तंत्र बिल्कुल। इसको लेकर के जो आपने रूपरेखा बनाई है कार्यक्रम की, उसमें लगभग क्या कार्यक्रम है और कहां से कहां तक ये जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा और ज्ञापन को लेकर के क्या रणनीति? ये कल सुबह हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और महंगा के आम जन अपने घर पर इकट्ठा होंगे यहाँ, और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए हम लोग तहसील पर जाएंगे, वहाँ पर सभा करेंगे और एसडीएम, सीओ या जो भी तहसीलदार जिम्मेदार लोग होंगे उनको ज्ञापन देंगे और एक निर्धारित समय फिक्स करेंगे। उसके उस समय के अंतर्गत अगर इन समस्याओं का निदान नहीं होगा तो हम बड़ा जमा देंगे। अस्पताल हमारे बंद पड़े हैं, महमूदाबाद सीएससी में ना हड्डी डॉक्टर 2.5 साल से है, ना हमारा बच्चों का डॉक्टर है। डिप्टी सीएम आए थे आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले, कह गए थे 1 महीने में हमारा एक्स्ट्रा मशीन लग जाएगी, एक्स्ट्रा मशीन नहीं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। हमारी मुर्तजा नगर, अहिबनपुर, किशनपुर, पोखरा, भुरकुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, छात्रावास बंद पड़े हैं और सत्ता में बैठे लोग चैन बंसी बजा रहे हैं। आप लगातार जो है फेसबुक के माध्यम से पोस्ट करते हैं कि जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं वो इन विकास के कामों में सहयोग करें, कानून व्यवस्था में सहयोग करें, क्या आपकी किसी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि से या किसी प्रदेश सरकार के नेता मंत्री से बात हुई है इस संबंध में, पिछले अधिकतर महमूदाबाद के विकास को लेकर के या कानून व्यवस्था को लेकर के? मुझे जब भी सत्ता पक्ष लोग जहाँ बुलाएंगे मैं महमूदा जनपद के विकास के लिए उनके साथ बैठने को तैयार हूँ, और मुझे जो जानकारी होगी उनको मैं दे दूंगा। सीतापुर में राजकीय महाविद्यालय बंद पड़ा है, मिश्रिक में राजकीय महाविद्यालय बंद पड़ा है और 2022 से हैंड ओवर हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में 71 राजकीय महाविद्यालय बने पड़े हैं जो उच्च शिक्षा विभाग को हैंड ओवर हो चुके, संचालित नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सत्तम बैठे जनप्रतिनिधि हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2017 के बाद मेरी तहसील महमूदाबाद में एक भी स्कूल नहीं खुला, एक भी अस्पताल नहीं खुला, एक भी छात्रावास नहीं बना, एक भी पावर हाउस नहीं बना। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे विकास होगा? सबसे पहले जो मैं मानता हूँ विकास का सबसे पहला कारण है शिक्षा। जब शिक्षा में हम फिसड्डी हो जाएंगे, हालांकि महमूदाबाद शिक्षा में आगे बढ़ रहा लेकिन सरकारी स्तर पर हम फिसड़ते जा रहे हैं, अब तो विकास काम नहीं कर पा रहे। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से 6 बार के विधायक और वरिष्ठ नेता मुख्य सचेतक रहे नरेंद्र सिंह वर्मा, जो कानून व्यवस्था को लेकर के कल जो है वो क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, जिसमें
बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोगों के शामिल होने की उम्मीद। महमूद अब्बास से आइडिया के लिए आयुष। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।